आधुनिक जगत में जिस दृष्टि की जरूरत है उस दृष्टि को बाबा साहब ने दिया। एक परिपेक्ष में भंते ने उस शिक्षाओं को बहुत ही गहराई से समझा। भंते का जीनियस यह है कि उन्होंने बाबा साहब के धम्म दृष्टि को समझा। और अधिष्ठान के ट्रेनिंग में नान रत्न थे, उनका इंटरव्यू मैं सुन रहा था, 2 हफ्ते पहले ही वो भंते को मिले तो केवल 2 बातें भंते ने उनको बताई। उन 2 बातों में भंते ने बताया कि आप संघ के साथ अपना जो संबंध है उसे गहरा करो ताकि आप संघ के संपर्क में रह सको। और दूसरी बात उन्होंने उनको बताई कि भारत में बाबा साहब की धम्म क्रांति का ही काम करो और उनके धम्म क्रांति को बढ़ाओ और उससे भारत के और विश्व के बौद्ध धर्म को फ्यूचर है, भविष्य है। यह भंते ने स्वयं कहा है। भंते की अपनी जो अंडरस्टैंडिंग बाबा साहब की थी, मैं आज के दिन यही अपील करूंगा कि भंते की जो समझ है बाबा साहब की, उस समझ के साथ हम रहे। उनके समझ को जिस तरीके से भंते ने गहरा डाला है या वो ले गए हैं, उस समझ के साथ हम भंते की समझ को समझे। अक्सर शिक्षाओं को बताते वक्त, इंटरप्रेट करते वक्त अपने बहुत सारे भाव उसमें जुड़े हुए होते हैं। आज भंते नहीं रहे लेकिन उनके पश्चात उनके शिक्षा का जो सहारा है या उनकी शिक्षाओं की जो समझ है वो समझ आज हमारे साथ है। स्वयं भंते भविष्य के बारे में चिंतित नहीं थे, उनके शिक्षाओं पर उनको पूरा विश्वास था। उसी प्रकार जैसा उन्होंने कहा कि बाबा साहब का धम्म क्रांति, जो धम्म रिवॉल्यूशन जो उन्होंने कहा है उसके ऊपर उनको विश्वास था, तो निश्चित रूप से बाबा साहब ने दिए गए मार्ग के ऊपर उन्होंने जो यहाँ जमीन सींची है जिसके ऊपर ये सारे फूल खिल रहे हैं, उस जमीन को सींचना हमने छोड़ना नहीं है। और उस जमीन को सींचते वक्त निश्चित रूप से भंते के शिक्षाओं का या त्रिरत्न संघ का, त्रिरत्न बौद्ध संघ का एक बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। तो आज के दिन अगर हम उनकी दी हुई शिक्षाओं को हम आचरण करते हैं, जिस बौद्ध दृष्टि को बाबा साहब ने समझा उसे भंते समझाने की कोशिश कर रहे, अगर उसे हम समझते हैं तो निश्चित रूप से भारत में ही नहीं तो पूरे विश्व में ऐसी दृष्टि का लाभ इस दुनिया को और इस व्यक्ति को अच्छा करने के लिए होगा।